नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। भारत के आधुनिक विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भारत के पास एक ऐसा युद्धपोत है जो चीन और अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोतों को टक्कर दे सकता है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में महाशक्ति बनने की होड़ के बीच सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि मौजूदा वक्त में किस देश के पास कितने विमानवाहक युद्धपोत हैं। इस वक्त अमेरिकी नेवी के पास 11, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, वहीं फ्रांस और रूस के पास 1-1 विमानवाहक युद्धपोत हैं। हालांकि भारत और चीन दोनों ही अपनी सैन्य शक्तियों में बड़ा इजाफा करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना में आईएनएस विक्रांत को शामिल करने के साथ ही एक और बड़े विमानवाहक पोत को बनाने पर काम शुरू कर दिया है। वहीं बात चीन की करें तो ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 तक चीन के पास विमानवाहक पोतों की संख्या बढ़कर 5 से 6 हो जाएगी। ऐसे में मौजूदा वक्त में भारत, चीन और अमेरिका के सबसे आधुनिक युद्धपोतों की तुलना करें तो इस वक्त भारत का सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत है, तो वहीं चीन के पास फुजियान और वहीं अमेरिका के पास यूएसएस गुराल्ड आर फील्ड मौजूद है। भारत के विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। वहीं बात अगर फुजियान की करें तो ये 300 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है। यूएसएस गुराल्ड आर फील्ड की लंबाई सबसे ज्यादा 337 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है। भारत के विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है, तो वहीं चीन के फुजियान और अमेरिका के गुराल्ड आर फील्ड का वजन करीब 1,00,000 टन है। विक्रांत पर एक साथ 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। वहीं फुजियान 36 और गुराल्ड आर फोर्ड 75 लड़ाकू विमानों के साथ समंदर में तैनात किया जा सकता है। युद्ध के समय विक्रांत पर 1,700, फुजियान पर 2,000 और गुराल्ड आर फोर्ड पर 4,660 क्रू मेंबर्स या नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि किसी भी युद्धपोत की विध्वंसक क्षमता उस पर तैनात लड़ाकू विमानों से तय की जाती है। शायद यही वजह है कि चाहे वो राफेल हो या सुपर हॉर्नेट, भारत दुनिया के सबसे अत्याधुनिक विमानों की तैनाती विक्रांत पर करने जा रहा है। वहीं बात अगर चीन के फुजियान विमानवाहक पोत की करें तो चीन इस पर कई तरह के विमानों और ड्रोन्स को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसमें J-15 लड़ाकू विमान, J-15 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, J-35 फिक्स्ड विंग अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और सशस्त्र टोही ड्रोन शामिल है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।